वही प्रधान मोदी ने कहा है कि 2024 में जो विपक्ष एक हो रहा है कोई फायदा नहीं होगा इसमें। देखिए ये बड़बोले हैं, मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुन नहीं पा रहे। और देखिए अभी 2022 का चुनाव हुआ था, आपको पता ही है, वहाँ से फिर हारे थे। आगामी 23 तारीख को पटना में होने वाले जो मीटिंग हो रही है, क्या उसमें आपको लगता है कि अन्य दलों के साथ साथ कांग्रेस से भी गठबंधन हो सकता है? देखिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, विपक्ष के प्रयास है पूरे सभी जगह। देखिए नीतीश, अखिलेश और तेजस्वी वगैरह सब लोग, पूरे सब लोगों से मिल रहे हैं। अब पटना में भी विपक्ष के लोग और सेकुलर पार्टियों के लोग इकट्ठे हो कर के अपनी बातचीत करेंगे, रणनीति तय करेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप भी जा रहे हैं वहाँ पर शामिल होने, आपकी भी कुछ ऐसी भी मंशा रहेगी कि हाँ सभी दल एक साथ हो जाएं? हमारा भी प्रयास है कि सभी सेकुलर और सभी विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाए। बलिया में हो रही मौतों को लेकर के क्या कहना है? देखिए ये सरकार विफल है, पूरी तरह से विफल है, और लाइन ऑर्डर तो ना कोई चीज़ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं, वकील के भेषों में हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं पर भी पूरी तरह से लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है।